प्यारे किसान भाइयों, बहुत ही बड़ी ऑफिशियल न्यूज़ निकल के आ चुकी है। मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंड, जो कि मैंने आपको बता दूं कि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि किसान का जो लोन है वो सारा का सारा माफ़ हो चुका है। तो बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा कि सर हमारे ज़िले का बताइए, हमारे गांव का बताइए, इधर का माफ़ हुआ कि उधर का नहीं हुआ। बहुतों लोगों ने पूछा, किसी ने कानपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर, MP, राजस्थान, बहुत से लोगों ने पूछा कि सर हमारा सबका लोन माफ़ हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड, इसी के चलते मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि अगर आपने वीडियो मिस कर दिया और स्किप कर दिया, तो शायद अगर आप वो वीडियो, अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको पता करना है फ्रेंड्स कि हमारा लोन माफ़ हो गया कि नहीं हो गया, कहाँ कहाँ माफ़ हुआ है, तो आप मेरे इस चैनल पे जाके आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड, किसान कर्ज माफ़ी 2021 उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा का पूरा डिटेल में समझाया है कि किन किसानों का लोन माफ़ हुआ है, ग्रीन चिट है वो आपको कहाँ से लेनी है, पूरा का पूरा मैंने इसमें बताया। तो आप ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चैनल नेम आपको पता ही है, स्मिगल पांडे सर्च करेंगे और आप ये वीडियो यहाँ पर जाके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी किसान भाई हैं सबका लोन माफ़ हुआ है, चाहे वो प्राइवेट उन्होंने लोन लिया हो, चाहे जैसे भी लोन लिया हो, तो उन सबका जो लोन है वो माफ़ हो गया। तो मैंने फ्रेंड्स, बहुत से लोग कह रहे झूठ है, बहुत फ्रेंड कहते हैं ना, जो पढ़ा लिखा है वो समझदार है, जो नहीं पढ़ा लिखा वो कुछ भी अनसर्ट लिखेगा, कहेगा झूठ है। तो मैंने लाइव प्रूफ भी दिखाया था कि देखिए, जागरण जोश की ऑफिशियल वेबसाइट यानी फ्रेंड दैनिक जागरण के, अमर उजाला, दैनिक जागरण और अमर उजाला, यहाँ तक कि पंजाब केसरी, सभी के पेपर में छपा था ये पोस्ट, देखिए पेपर में छपा था, किसानों का कर्जा माफ हो गया था। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी वहां पर अपनी अनाउंसमेंट करी थी, वहां पर भी बताया गया था कि जितने भी किसान भाई हैं लोन लिया है सबका लोन माफ कर दिया गया है। तो ये फ्रेंड लखनऊ तक का था। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो लोन माफ हो गया है तो आपको क्या करना है, आपको लोन माफ हो गया तो मैं फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ कि जैसे बहुत से लोगों का लोन माफ हो गया, किसी का 10 लाख था, किसी का 5 लाख था, चाहे आपने KCC लोन लिया हो या फ्रेंड आपने कृषि यंत्र के लिए लोन लिया हो, तो आप सभी का लोन माफ हो चुका है। ऐसे में अब फ्रेंड्स जो किसानों के साथ में है वो लोग क्या कर रहे हैं, धोखाधड़ी, बैंक मैनेजर वगैरह, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। बैंक मैनेजर वगैरह ब्रांच से आपको कॉल आ रही है कि आपका जो भी है सारा का सारा लोन माफ हो चुका है, आप जाइए, आपका मान के चलिए जैसे आपने 10 लाख ले रखा है, तो कहेंगे आपका 8 लाख लोन माफ हो चुका है और आपको सिंपली 8 लाख में से 2 लाख आपको जमा कर देना है, तो बाकी आपका जो है वो भी क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आपको 8 लाख माफ नहीं होगा। तो ऐसे करके फ्रेंड्स वो आपको फुसला रहे हैं। और जैसे कि आप जल्दबाजी में, हड़बड़ी में अगर उन्हें जाके वो 8 लाख अगर आपका माफ बता रहे हैं, तो फ्रेंड 2 लाख अगर जमा कर देते तो वो बैंक के यानी सरकार के खाते में नहीं जाएगा पैसा, सिर्फ और सिर्फ वो उनके बैंक मैनेजर यानी उनके जेब में घुस जाएगा। तो आप सभी जो है अगर ऐसी कॉल आती तो आप फिजूल में फ्रेंड ना पड़े और एक भी पैसा बैंक में ना जमा करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी का लोन माफ कर दिया है। बाराबंकी हो, चाहे फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में कहीं का भी हो, लखनऊ, MP, और यहाँ तक कि किसी भी उसका हो, बहराइच वगैरह कहीं का भी हो, हर जगह का लोन फ्रेंड माफ हो रहा है, क्योंकि सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं इस समय, 5 महीने, इसके वजह से फ्रेंड हर 5 साल में आपको पता ही है इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन के पीरियड में अगर उन्हें जीतना होता है तो वो अब सीधी सी बात है किसानों का फायदा सोचते हैं, इसकी वजह से लोन सबका माफ कर दिया गया है। और अब मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर बैंक वालों ने अब एक स्कीम क्या कह रहे हैं, मतलब 420 क्या कर रहे हैं वो, जिन किसानों को पैसा जिनका ज्यादा है नहीं दे रहे, तो उनको फ्रेंड्स एक नोटिस दे रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कुरुक्की वारंट, कुरुक्की वारंट होता है, उसको अब भेज दे रहे हैं बैंक से कि आपका अगर अब इस तारीख को लोन नहीं जमा करेंगे तो आपका जो सारी की सारी चीज वहां पर कुरुक हो जाएगी और गवर्नमेंट आपकी सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। तो फ्रेंड्स अब उसका भी मैं बता देता हूँ कि ऐसे जो फर्जी फ्रेंड्स जो बैंक द्वारा ये जो कुरुक्की का नोटिस है वो बैंक द्वारा ही फॉर्मेट तैयार किया गया हुआ है, मैनेजर और सारे स्टाफ खाने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो बाहर से आएगा उसमें बकायदा उत्तर प्रदेश सरकार की स्टैंप सील वगैरह सब कुछ लगेगी। कुरुक्ति का वारंट कोर्ट के आदेश से आता है, ना कि बैंक मैनेजर के थ्रू में। हमारे पास ऐसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट हुए हैं बहुत सारे, कह रहे सर ये देखिए ये कुरुक्ति नोटिस आया, तो हमने उन्हें बताया ये कुरुक्ति नोटिस नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स जो कुरुक्ति नोटिस होता है यानी कुरुक्ति नोटिस होता है जमानत सारी जब्त करने का, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबको वो बैंक वाले फर्जी में ही एक फॉर्मेट तैयार करके और अपनी स्टैंप मार के साइन मार के दे दे रहे हैं कि आपकी सारी संपत्ति अब नीलाम करी जाएगी, आप जल्द से जल्द जमा करिए। तो ऐसे में किसान डर जा रहे, तो मैं आपको बता दूं डरना नहीं है, कुड़ुक्की का जो नोटिस आता है वो सिर्फ कोर्ट से आएगा, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की स्टैंप लगी होगी, न्यायालय जहां का भी आपका कोर्ट है वहां से स्टैंप लग के आएगी, सब कुछ आएगी और आपका वो डाक से आएगा, ना कि बैंक से आएगा। तो अगर आपको भी इस तरह का नोटिस बैंक वालों ने भेज दिया है तो वो फर्जी नोटिस मानिए और उस पर जाके परेशान मत होइए, ठीक है ना फ्रेंड। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे दी गई भी जानकारी पसंद आई होगी, और कोई भी सवाल है किसान कर्ज माफी योजना से तो कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।
फ्रेंड्स एंड गुड लक। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, अगर आपको अच्छे से समझना है कि जो किसान का कर्ज माफ हुआ है, अगर हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, कैसे माफ कराना है, तो फ्रेंड ये वाली वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा, आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक फ्रेंड्स।